टिप्स तो हमें वही अच्छी लगती हैं जो हमारा टाइम बचा दें, गैस बचाएं, पैसे की बचत करें, बहुत ही यूजफुल हो। तो ऐसी ही टिप लेकर आज फिर मैं आई हूँ। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। कल भुट्टे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और हम लोग इसको भून कर खाते ही हैं। तो इसको जब हम गैस पर भूनते हैं ना, तो गैस पर भून लें या कोयले पर कहीं भी भून लें, ये जो है ना दाने जो है काले काले से हो जाते हैं, सूख सा जाता है खाने में, वो टेस्ट ही नहीं आता, मिठास ही नहीं आती। तो आज मैं आपको ना बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने भुट्टे दो लिए हैं, तो दो तरीके बता दूंगी। दोनों ही तरीके में हम छीलेंगे नहीं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको रखना है गैस पर। गैस के ऊपर इस तरह से रख कर गैस मीडियम रख लेना और इसको आपने अब अच्छी तरह से भुनने देना है। तो जो इसका ये आउटर लेयर है यानी छिलका है ना, ये काला होता जाएगा। तो काला हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भुट्टा जो है अंदर से बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो मैंने गैस पे रखा है, तो इस तरह की ये जो रोस्ट करने वाली छन्नी आती है ना, जिस पर हम बैगन रोस्ट करते हैं ना, इस पर भी रख सकते हो। देखिए इस पर रख दिया मैंने, तो कैसे भी करके ना इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। चाहे तो आप बीच में एक आध बार दाने चेक कर सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल काला सा हो गया ना, तो ऐसा मैंने कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसके दानों का कलर ना चेंज हो गया है। तो ये भुन चुका है, वैसे आप चेक कर लेना इस तरह से। अब ये भुन भी गया है और बिल्कुल भी जला नहीं है। देखिए टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, जैसे हम रेत के भुने हुए भुट्टे खाते ना, बिल्कुल वैसा ही आता है। तो इस पर लगाएं नींबू और मसाले और इन्जॉय करें। अब दूसरे तरीके में देखिए हमने क्या करना है, भुट्टे को बिल्कुल भी छीलना नहीं है, सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले लिया था। इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में आपने सेट करना है, मैंने 4 मिनट का टाइम सेट किया है। तो ये देखिए भुट्टा जो हो गया है, 4 मिनट भी नहीं लगे हैं। तो ये डिपेंड करेगा भुट्टा कितना बड़ा है, उस हिसाब से टाइम सेट कर लेना। तो इसके दानों से भी आपको पता चल रहा होगा भुट्टा अच्छी तरह से भुन गया है। भुनना कह लें या उबलना कह लें, उस तरह के ही हो जाते हैं जैसे रेत में भुने हुए भुट्टे हम लेते हैं ना। इसको आप छीलना है तो चाहे तो वैसे ही छील लेना, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखें पीछे से कट कर रही हूँ। काट कर निकालेंगे ना, तो भुट्टे को जब हम छीलते हैं तो उसके जो छिलका हो गया, अंदर जो इसकी होती है बाल से होते हैं ना, ये गंध मचता है ना, वो भी नहीं मचेगा, बड़े आराम से निकल आता है। और अब आप इस पर मसाला नींबू वगैरह लगाकर एंजॉय कर सकते हो। ये टिप जो है बहुत ही टाइम सेविंग है और साथ में ना गैस की भी बहुत बचत होती है। तो देखिए जैसे मैंने दाल चावल बनाने हैं, तो मैंने एक बॉक्स में दाल डाल रही हूँ, ये मैंने पहले से भिगोई हुई है, और पानी डालने जितना डालते हो आप, और चावल डाल लिए एक में और पानी भी डाल दिया है। तो कुकर में चावल बनाते हैं तो पानी 1.5 गुना ही जाता है। तो नमक हल्दी डाल दिया है दाल में और नमक और ऑयल डाल दिया है चावल में। अब रखेंगे कुकर में। तो कुकर में पहले ना नीचे रखनी है दाल, कवर कर देना है, और उसके ऊपर चावल रख के कवर कर देना है। अब इसके साथ ना हम और भी चीज बॉईल कर लेंगे, जैसे कि ये देखिए मैंने ली है शकरकंदी। तो आजकल जैसे मौसम है शकरकंदी का, तो इसको बॉईल कर रही हूँ। और वैसे आप चाहो तो आलू को भी बॉईल कर सकते हो। तो अगर कुकर आपका जितना बड़ा उस हिसाब से ही चीज़ आती है इसमें। तो ये शकरकंदी को मैंने काट कर लिया हुआ है, एक टमाटर भी डाल रही हूँ, इसे चटनी भी बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। तो पानी डालना है, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, आधे गिलास के करीब भी नहीं गया है पानी इसमें, 1/4 गिलास डाला है बस मैंने। इस पे 2 विसल लगवा ली है मैंने, और खोल कर मैं दिखा देती हूँ। देखिए आप शकरकंदी की इतनी अच्छी तरह से उबल चुकी है, टमाटर भी उबल गया है, और साथ में दाल देखिए आप, चावल देखिए, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गई है। तो एक बार में ना इतना सारा काम हो गया है, टाइम भी बचा, गैस भी बच गई है। अब बनाएंगे मटर और आलू की सब्जी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, आज तक आपने नहीं बनाई होगी। तो कई बार क्या होता है, मटर आलू की वही सब्जी खाकर हम बोर हो जाते हैं, या फिर हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो देखिए मैंने आधा कप फ्रेश मटर लिए हैं, इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं।
साथ में डालेंगे इसमें आलू। तो बहुत छोटा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया आलू, तो आलू काट कर डाल देते हैं। और साथ में डालेंगे थोड़ा अदरक, और साथ में डाल लिया हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, हरा धनिया भी डालेंगे। और इसको पीसना है तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो ऐसे ही पीसेंगे। अगर पानी की ज़रूरत लगे ना तो एक आध चम्मच ही डालना। तो ये पीस गए हैं, तो इसके बाद अब इसमें मिला लेंगे हम बेसन। तो 2 चम्मच भरकर इसमें बेसन डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यह हो गया है तैयार, देखिए ऐसा तैयार हुआ है। इसे पतला नहीं बनाना है आपने। अब इसके लिए हमने ये देखिए पॉलिथीन से ये मैंने कोन सा बना लिया है, तो ऐसा कोई पॉलिथीनो कोन बना लेना, तो नहीं तो वो पतला सा पॉलिथीन होता है वो भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इसमें डाल लेंगे इसको जितना आ जाए, पूरा ही आ गया है। लास्ट में मैं रबड़ बैंड लगा रही हूँ, अभी इसको आगे से कट नहीं करेंगे। सब्जी का मसाला बनाने के लिए देखिए कढ़ाई में मैंने डाल लिया थोड़ा सा ऑयल, चॉप करके प्याज लिया है इसको डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मिर्च मसाले डाल लेना अपने स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ें डाल करना, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालना। अब मिक्स करके डाल लेना टमाटर, तो टमाटर पीस कर लिए मैंने, इसको भी भून लेना। और अब डाल लेना इसमें मलाई, मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम है अगर आपके पास वो डाल सकते हो, मार्केट की जो आती है, तो 2-3 चम्मच के करीब फेट कर ली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। कसूरी मेथी थोड़ी सी डालना, 1-2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाना, चाहे तो ढक लेना। अब इसमें डाल लेना आप थोड़ा सा पानी, पानी डालकर ना गैस बिल्कुल लो कर देना, चाहे तो बंद भी कर सकते हो। इसके ऊपर ना अब छोटी छोटी सी हमने मटर की बूंदियां बनानी है, जो हमने कोन में मटर पीस कर डाले ना, हल्का सा कोन आगे से काट कर इस तरह से आप बूंदियां बनाते जाना। ये देखें पूरे में अच्छी तरह से बना लेना। और ये जो बैटर है थोड़ा बच गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ये मैंने लिया है कटोरी, इसके अंदर रख देंगे मसाला एक तरफ करके, इसके ऊपर ये होल वाली प्लेट है मेरे पास स्टीम वाली, इस पर ऑयल लगा कर ना थोड़ी सी बूंदियाँ इसके ऊपर भी बना देंगे। अब गैस को बिल्कुल लो करके ना इसे कवर कर देंगे 4-5 मिनट के लिए, जिससे पक जाए सारा कुछ। 4-5 मिनट के बाद देखिए पक गई हैं, तो सारा कुछ हमने इसको निकाल लिया है। और अब कटोरी भी निकाल कर इसमें ही डाल देंगे इन बूंदियों को भी, और इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल लेना जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो। ये सब्जी हो गई है तैयार। इसको आप किसी के भी सामने सर्व करेंगे या खुद खाएंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये मटर आलू की सब्जी है। सर्व की हुई भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास कार्डबोर्ड का खाली रोल, इस तरह के रोल ना अक्सर हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम जब फॉइल पेपर लेते हैं, क्लीन रैप या और भी कई चीज़ें, और उसके अंदर ये रोल होता है। तो अब वो चीज़ तो यूज़ हो गई, तो ये हो गया खाली, तो इसका हम क्या यूज़ करें, इसको हम अक्सर तो फेंक ही देते हैं, पर आज मैं आपको इसका बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो इसको मैंने ना ये देखें कट किया है, एक जैसे साइज में निशान लगा कर ना कट किया है। आप चाहो तो अलग अलग साइज में थोड़े बड़े छोटे भी कट कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या करें, तो इसके अंदर मैं रख रही हूँ वायर। देखिए काफ़ी सारी आजकल वायर होती हैं, चार्जिंग की बहुत हो जाती हैं, कोई लैपटॉप चार्जिंग की है, कोई मोबाइल की है, और कोई हमारे कैमरा वगैरह की है, तो सारी आप इसमें अरेंज कर सकते हो, हेडसेट भी रख सकते हो। तो आप चाहो तो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो कि कौन सी वाली वायर हमने किस में रखी है, ये कौन सी है, पहचान के लिए। और आप इसे एक बॉक्स वगैरह में रख सकते हो, एक ही जगह सारी अरेंज भी हो जाएंगी। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, आपको इनमें से कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।